ये बड़ी खबर है जहां पर फर्जी डिग्री मामले में एक कार्मिक को गिरफ्तार कार्मिक को निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ सहायक जगदीश सहारण और मनदीप सांगवान को निलंबित किया गया। इनको गिरफ्तार भी किया जा चुका था। दोनों का मुख्यालय अलग अलग रखा गया। राजकीय करणी उमावी देशनोक में ये जगदीश कार्यरत था। लंबन के दौरान मुख्यालय बज्जू रहेगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मनदीप कार्यरत था। निलंबन के दौरान मनदीप का मुख्यालय खाजूवाला रहेगा। संयुक्त निदेशक राजकुमार शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है और संयुक्त निदेशक राजकुमार शर्मा ने यह आदेश जारी किया है। खबर पर विक्रम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार कर दिए गए हैं कार्मिक, निलंबित हो गए हैं जो गिरफ्तार कार्मिक थे। विक्रम, और क्या जानकारी? ये देखिए, निश्चित रूप से ये एक बड़ी कार्रवाई ये विभाग की तरफ से की गई है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट फर्जी डिग्री में पाया गया था और उसके बाद जो है इन्हें गिरफ्तार किया गया था, और इसी को लेकर जो है अब संयुक्त निदेशक जो है राजकुमार शर्मा, इन दोनों ही जो कार्मिक है जगदीश और जो मनदीप है उन्हें निलंबित कर दिया गया है और इनका मुख्यालय जो है वो भी अलग अलग रखा गया है, क्योंकि जगदीश जो है वो राजकीय करणी स्कूल में देशनोक में था तो इसका मुख्यालय बज्जू कर दिया गया है और इसके साथ ही जो मनदीप है उसका मुख्यालय बीकानेर से बदलकर खाजूवाला कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि फर्जी डिग्री में ये लिप्त पाए गए थे, तभी हुई थी गिरफ्तारी और उसके बाद अब इनको निलंबित कर दिया गया। दोनों के विभाग अलग अलग रखे गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भजन लाल का आज धुआंधार प्रचार रहने वाला है। ना सिर्फ राजस्थान के सीकर और नागौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे बल्कि मुख्यमंत्री सीएम भजन लाल आज गुजरात जाने का भी इनका कार्यक्रम है। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की जाएगी। शाम 5 बजे नागौर के कुचामन में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो ताबड़तोड़ कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आपको इस वक्त बता रहे हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। गुजरात में जहां पर बीजेपी पक्ष प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी, तो वहीं राजस्थान के नागौर के कुचामन में भी शाम 5 बजे रोड शो और जनसभा को संबोधित किया जाएगा। और जैसे जैसे पहले चरण का तारीख नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कोटा में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजर पर निशाना साधा और कोटा दक्षिण से बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि व्यक्तिगत आरोपों से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला की जीत और ज्यादा सुनिश्चित होती जा रही है। पहले 2,80,000 वोटों से जीते थे, अब 3 से 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका, जब टिकट डिक्लेयर हुए थे कांग्रेस का और बीजेपी का, उस समय मालूम पड़ गया था कि विपरीत जाएगा, इस तरीके से विपरीत बातें आएंगी। और निश्चित रूप से हमारे पक्ष में जो भी वो विपक्षी प्रत्याशी कर रहे हैं, वो हमारे पक्ष में कर रहे हैं, हमें मजबूत कर रहे हैं। हमारी जीत के अंतराल को, जो पहले 2,80,000 था, उसको वो चाहते हैं कि 3,80,000 4,80,000 तक हम ले जाए, इसलिए उनके प्रयास है और हम उनका धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह आप जो है प्रचार करते रहे और हमारी हमारे मत के अंतराल में बढ़ोतरी कराते रहे। और बीकानेर के लूरकरसर से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां अचानक जमीन धस गई और ये जमीन कोई 1 बीघा बताई जा रही है जो अचानक से धस गई और 1 बीघा जमीन के धसने से हड़कंप मच गया है। सह जरासर गांव के ठाड़ी भोपाल राम रोड की ये पूरी घटना है, आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। 1 बीघा जमीन अगर आप देखें स्क्वायर फुट में तो 27,000 स्क्वायर फुट होता है। अचानक जमीन धंसने की घटना से दहशत में ग्रामीण हैं। पुलिस और अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। मामला का पता लगाया जा रहा है कि अचानक से आखिर जमीन 1 बीघा जमीन अचानक से कैसे धस गई। वो भी बीच की जमीन है, ये किनारे की भी नहीं है। बीकानेर के रुड़करसर के शहर रासर की एक पूरी घटना के गांव की घटना है, जहां अचानक से जमीन धंसने की वजह से आसपास के जो गांव हैं और उस गांव में हड़कंप मच गया, अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जो जिले के जो एसपी हैं वो भी मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल कार्रवाई का ये विषय है कि अचानक से जमीन कैसे धस गई। तो अचानक धसी 1 बीघा जमीन में हड़कंप मच गया। बता रहे हैं शहर जरासर गांव के ठाड़ी के पास के ये गांव की ये पूरी घटना है।
जमीन बीचों बीच में धसी है। एक बीघा जमीन अलग अलग, वैसे तो जिलों में एक बीघा का कहीं पर अलग अलग है, लेकिन वैसे 27 से 26 हजार के बीच में स्क्वायर फुट की अगर हम बात करते हैं, वर्ग फिट की, तो उतनी बड़ी जमीन ये अचानक से धस गई, अचानक से जमीन धसी है, इस वजह से मचा है हड़कंप। और बड़ी खबर इस बीच में लोकसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है, जो बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बांसवाड़ा आएंगे एक बार, तीसरी बार राजस्थान के दौरे पर रहने वाले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बांसवाड़ा के दौरे पर आएंगे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समर्थन में करेंगे चुनावी सभा। वही महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि जाट चेहरा प्रमुख रहे हैं, जो कि कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, और बांसवाड़ा में क्योंकि 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है, इसलिए उनके पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। अरुण चतुर्वेदी आज तैयारियों का जायजा लेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे अरुण चतुर्वेदी। लेकिन एक बार फिर से तीसरे बार राजस्थान के दौरे पर 21 अप्रैल को आपको फिर से बांसवाड़ा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित, चुनावी हुंकार भरेंगे, क्योंकि 19 अप्रैल को तो पहले चरण का है मतदान 12 सीटों का, लेकिन 26 अप्रैल को राजस्थान की बची हुई 13 सीटों पर होना है मतदान। बांसवाड़ा दूसरे ही चरण में आ रहा है और 21 अप्रैल को बांसवाड़ा को साधने के लिए पीएम मोदी का दौरा होने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, राजधानी जयपुर में रामनवमी से ठीक पहले भगवा मुद्दा गर्मा गया है। जयपुर में बाजारों और लोगों के घरों पर लगे भगवा झंडे, भगवान राम की फोटो के झंडों को नगर निगम की टीम ने उतारा, तो मामले में अखिल भारतीय संत समिति और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि भगवा झंडे किसी पार्टी विशेष के नहीं बल्कि सनातन के प्रतीक है। देखिए रिपोर्ट। रामनवमी से ठीक पहले भगवा राजनीति, बाजारों और घरों से हटाए गए भगवा झंडे, हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य नाराज। भगवा झंडे पार्टी के नहीं सनातन के प्रतीक। क्या नाम है तेरा? शर्म नहीं आ रही भगवान राम झंडे उतारते हुए? ये वही वीडियो है जिसके बाद जयपुर की राजनीति में हंगामा हो गया, राजनीति में भगवा मुद्दा गर्मा गया, बात इतनी बढ़ी कि हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य नाराज हो गए और सीधे पहुंच गए जिला निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस और फिर ज्ञापन देकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। जी हाँ, राजधानी जयपुर में रामनवमी की तैयारी में बाजारों और घरों पर भगवा ध्वज और श्री राम के ध्वज लगाए गए थे, जिसको नगर निगम ने हटा दिया और देर रात निगम की गाड़ी में भर कर ले गए। राजधानी जयपुर में रामनवमी के झंडों को लेकर के सियासी जमातों के अंदर एक विवाद छिड़ गया है। एक तरफ कांग्रेस ने पहले जिला निर्वाचन कार्यालय को शिकायत दी, तो दूसरी तरफ जो संत समाज की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करते हुए कहा गया कि जो झंडे धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं, रामनवमी से जुड़े हुए हैं, उसे चुनाव प्रचार से या सियासी पार्टी से जोड़कर न देखा जाए। मेरे पीछे आप देखेंगे जो झंडे हैं, इसमें एक तरफ भाजपा के झंडे हैं जो कि जयपुर में होने वाले अमित शाह के जो रोड शो के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसकी अनुमति ली गई। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ धार्मिक झंडे जो हैं बाजारों के अंदर लगाए हुए हैं, जिनकी अनुमति यहाँ पर नहीं ली गई है, जिसको लेकर के जो कांग्रेस की ओर से बाकायदा जिला निर्वाचन अधिकारी को एक शिकायत दी गई थी कि इन झंडों को हटाया जाना चाहिए। नगर निगम हेरिटेज टीम का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपा, कहा कि कांग्रेस को भगवान राम और भगवा से प्रॉब्लम क्या है? इन भगवा झंडों में या तो ओम का चिन्ह बना हुआ है या फिर भगवान राम की तस्वीर लगी हुई है। ये अगर आप पीछे देखेंगे ये भगवा झंडे हैं, जिनकी शिकायत बाकायदा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने हवा महल से लेकर के किशन पोल और आदर्श नगर के जो कांग्रेस के जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने बाकायदा ये निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत भेजी, जिसके बाद में निर्वाचन आयोग ने मामले में कुछ झंडे हटवाए भी थे, जिसकी शिकायत करने के लिए यहाँ पर जो संत समाज के अध्यक्ष हैं बाकायदा वो पहुंचे, जिसमें हवा महल क्षेत्र के विधायक भी पहुंचे और भी बहुत से लोग पहुंचे। उन्होंने शिकायत करते हुए सीधी सी बात ये कही कि ये इत्तेफाक की बात है कि रामनवमी और चुनाव एक साथ आ रहे हैं, रामनवमी पर हमेशा से झंडे लगते आए हैं, ऐसे में रामनवमी के या सनातन धर्म के झंडों को किसी
पार्टी विशेष से जोड़ करके या फिर किसी चुनाव के अवसर से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने दलगत राजनीति या किसी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए भगवा ध्वज नहीं लगाए हैं। ये शिकायत झूठी है। विश्व हिंदू परिषद ने कोई भी भगवा ध्वज नहीं लगाया है। ये जितने भी देश भर में शहर में झंडे मंदिरों में दिखाई देते हैं वह हिंदू समाज ने हिंदू समाज के प्रतीक भगवा ध्वज लगाए हैं। इनका दलगत राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये झंडे स्थानीय समिति के लोग अपने उत्साह से मंदिर समिति के लोग लगाते हैं। ये हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं। इनको विचार करना चाहिए, राजनीति अपनी जगह करें लेकिन हिंदू समाज की ठेस पहुंचाने का काम नहीं करें, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। ये जयपुर में सियासत का बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिसमें दोनों सियासी जमात के लोग सनातन धर्म से जो मंदिरों से जुड़े लोग हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचे हैं। उन्होंने शुरुआत में बताया जा रहा है कि कुछ कार्रवाई की गई थी, झंडे हटाए गए थे, उसके बाद में फिलहाल के लिए इस कार्रवाई को रोक दिया गया है क्योंकि जो झंडे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए नहीं है उनको लेकर के फिलहाल के लिए कार्रवाई रोक दी गई है। अरबाज अहमद न्यूज 18 के लिए जयपुर से। और अब बात सब इंस्पेक्टर भर्ती में फर्जीवाड़े की कर लेते हैं। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद अब पेपर रद्द करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। गुस्साई युवाओं का कहना है कि या तो सरकार भर्ती परीक्षा को रद्द करे या फिर नतीजा भुगतने को तैयार रहे। देखिए रिपोर्ट। जब सारे सबूत इनको मिल गए हैं तो ये क्यों इस बात को दबा रहे हैं, क्यों इस भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रहे? आप इसको भर्ती को रद्द कीजिए और युवाओं को एक मौका दीजिए दोबारा। इस भर्ती परीक्षा में युवाओं को न्याय तभी मिलेगा जब ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से रद्द की जाएगी। जब से सब इंस्पेक्टर भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है तब से फर्जीवाड़ों से परेशान अभ्यर्थी पेपर रद्द करने की मांग करने लगे हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाते हुए पेपर को रद्द कर देना चाहिए। अभी पेपर लीक को लेकर इन्होंने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं और हमने एसआईटी बनाई है और एसओजी ने स्पष्ट कर दिया था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ था वो 14-15 तारीख को तो जयपुर से लीक हुआ और वो 13 तारीख को बीकानेर से लीक हुआ। जब सारे सबूत इनको मिल गए हैं तो ये क्यों इस बात को दबा रहे हैं, क्यों इस भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रहे? हम मांग भी कर रहे हैं 2005 से जब जगदीश विष्णु कह रहा है कि पेपर लीक हुए हैं तो आप क्यों सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे रहे? युवाओं बेरोजगारों का कहना है कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। भर्ती में डमी और फर्जी अभ्यर्थियों के अलावा पेपर लीक की बात भी सामने आई है। बेरोजगारों का तर्क है कि पुलिस खुद जांच में स्वीकार कर रही है कि पेपर लीक हुआ है मगर फिर भी पेपर रद्द नहीं किया गया है। ये सिर्फ लोगों को दिखा रहे हैं कि हम युवाओं के साथ हैं जबकि 400 लोगों को एसओजी चिन्हित कर चुकी है और बार बार ये कह रही कि पेपर लीक हुए हैं और उनका एग्जाम री एग्जाम लिया गया उनका जिसमें वो फेल हो चुके हैं ज्यादातर लोग। तो इससे जाहिर है कि महा घोटाला हुआ है। तो मैं बीजेपी सरकार से ये दरखास्त करता हूँ कि आप इसको भर्ती को रद्द कीजिए और युवाओं को एक मौका दीजिए दोबारा। भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी विकास विधुड़ी ने मामले से जुड़े तथ्य एसओजी और सरकार को भी दिए हैं। साथ ही साथ पुलिस की अलग अलग जिलों की जाँच में ये सामने आया तथ्यों से भी सरकार को रूबरू करवाया है। साथ ही ये मांग की है कि सरकार में विश्वास बना रहे इसके लिए तुरंत एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर रद्द करना चाहिए। जो इस पेपर लीक करने के जो मास्टरमाइंड है यूनिक भांबू उर्फ पंकज चौधरी और साथ में सुरेश ढाका, ये दोनों पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर हैं। जब ये मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से दूर है और अभी आपकी गिरफ्त में 32 थानेदार हैं तो यह फेरिस तो इनको गिरफ्तार करने के बाद बहुत अधिक हो सकती है। तो इतना निवेदन है कि इस भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता के साथ जितने भी पेपर लीक माफिया हैं इनको गिरफ्तार किया जाए और इस भर्ती परीक्षा में युवाओं को न्याय तभी मिलेगा जब यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से रद्द की जाएगी। एसआई भर्ती में ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों के जरिए फर्जीवाड़े के सबूत एसओजी को मिल चुके हैं। लगातार फर्जीवाड़े से जुड़े खुलासे हो रहे हैं लेकिन पेपर रद्द नहीं हुआ है, लेकिन अब पेपर रद्द करने की मांग जोर पकड़ रही है। राजस्थान के एसआई भर्ती 2021 से जुड़े युवा अभ्यर्थी अब सरकार को वोट की चोट देने की चेतावनी दे रहे हैं। एसआई भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है और इस भर्ती में जमकर फर्जीवाड़ा, ऐसे में इस भर्ती का पेपर तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। लवली बधवा न्यूज 18 जयपुर। चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। Thank you.
सीएम भजनलाल का धुआंधार प्रचार, आज सीकर और नागौर में सीएम की होगी जनसभा, सीएम के गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री के खिलाफ झूठी बयानबाजी करने की शिकायत, राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। बीजेपी ने की कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी, आज छिंदवाड़ा दौरे पर आएंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नाथ के गढ़ में करेंगे रोड शो। गुना से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भरेंगे नामांकन, सिंधिया के नामांकन में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान नामांकन से पहले करेंगे जनसभा और रोड शो। आज एमपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी भरेंगे दम, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, ग्वालियर से प्रवीण पाठक करेंगे नामांकन, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी। से बोले हैं विधायक जसवंत गुजर, मैं नहीं हो रहा शिवसेना शिंदे में शामिल, कुछ लोग तो यूं ही हवा में तीर चला रहे हैं। बाड़ी से बसपा विधायक हैं जसवंत गुजर। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जसवंत गुजर बसपा से विधायक हैं बाड़ी से, और खबरें ये सामने आ रही थी कि वो आपको बता दें कि शिवसेना शिंदे में शामिल हो रहे हैं। बाबूलाल संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बाबूलाल देखिए, जसवंत गुर्जर ने तो साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने इनकार तो कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि बीएसपी के अगर दोनों विधायक जसवंत गुर्जर और मनोज न्यांगली पार्टी छोड़ के किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, तो उनके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है और पार्टी का जो यानी कि दल बदल का जो कानून है उन पर लागू नहीं होगा, और वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते हैं, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, अगर दोनों विधायक साथ जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो खबरें चल रही सुबह से, तो ये खबरें आ रही थी कि वो शिवसेना सिंधे गुट में जा रहे हैं, राजेंद्र सिंह गुढ़ा जो है ना उनको शिवसेना में शामिल कराने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जसवंत गुर्जर का जो बयान आया है वो इससे साफ हो जाता है कि फिलहाल उन्होंने इनकार किया है कि वो शिवसेना सिंधे में नहीं जाएंगे। हो सकता है उनकी बीजेपी से भी बातचीत चल रही हो अंदर खाने, लेकिन ये बात अभी बाहर निकल करके नहीं आई है। और जो मिजाज है जिस इलाके से वो चुनाव जीत के आते हैं बाड़ी विधानसभा सीट का, तो वहां पर बीएसपी का जो वोट बैंक है उसकी बदौलत वो चुनाव जीत करके आए हैं, तो अगला चुनाव वो किस तरह से लड़ेंगे, तो वो उनके दिमाग में जो वहां का वोट बैंक है बसपा का के समर्थन वाला, उसको वो नाराज भी नहीं करना चाहेंगे। हो सकता है कि वो सरकार से काम कराने के का मकसद लेकर के बीजेपी को समर्थन कर दें या बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन फिलहाल अपने मतदाताओं के मिजाज का ध्यान रख करके ही वो फैसला लेंगे, ताकि उनका जो सियासी भविष्य है उस पर कोई खतरा ना मंडराए, तो बहुत ही सोच समझ करके फैसला लेंगे। लेकिन जसवंत गुर्जर ने अब से कुछ ही देर पहले इनकार किया है कि जो ये अटकलें और कयास चल रहे हैं इनमें कोई दम नहीं है और वो जो है शिवसेना सिंधे में शामिल नहीं होने जा रहे। लेकिन बाबूलाल आपसे ये भी सवाल रहेगा कि आखिर जसवंत बसपा को अगर छोड़ रही है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जी देखिए, बसपा कुछ सीटें जीत करके तो आती है राजस्थान में, लेकिन उनके उनका इतिहास कोई ज्यादा स्थायित्व वाला नहीं है। बसपा से जीतते हैं कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं है इसलिए बसपा के दोनों जो विधायक हैं वो अभी बीएसपी में ही बने हुए हैं, और माना ये जा रहा है कि बीएसपी का राजस्थान में कोई भविष्य नहीं है, तो अपने मतदाताओं अपनी जनता का काम कैसे हो, वहां पर विकास कैसे बहे, विकास की गंगा कैसे बहाई जाए और जनता का कोई काम ना अटके, इसलिए मतदाताओं का एक प्रेशर भी होता है विधायक के ऊपर। अगर वो सरकार का हिस्सा बनते हैं तो उनके काम होते हैं और इलाके में तरक्की आती है, बिजली पानी सड़क शिक्षा चिकित्सा से जुड़े हुए काम होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं उनके तबादलों से जुड़े हुए काम होते हैं, तो जनता का एक दबाव भी होता है कि आप सरकार के साथ चलिए। तो बीएसपी के विधायकों की परेशानी ये है कि एक तरफ उनका जो उनका समर्थक वर्ग है वो एंटी बीजेपी का है और कांग्रेस के साथ तो ये वर्ग जाता है, कांग्रेस के साथ जाने में उस वर्ग को कोई एतराज नहीं है उस वोट बैंक को, लेकिन जब वो बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो फिर उनमें गुस्सा पनप सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके फैसला इनको लेना होगा।
लेकिन लगता है कि अंदर खाने को खिचड़ी पक रही है और कुछ न कुछ जरूर एक दो दिन में हो सकता है, क्योंकि चुनाव का जो पहला चरण है उसमें वोटिंग होनी है जल्द, तो ऐसे में कोई ना कोई बात है, तभी कहीं जाकर ये बात निकली है और हो सकता है कि ये दोनों विधायक हैं, ये जसवंत गुर्जर का बाबूलाल खुद का कितना बड़ा जनाधार है और अगर वो किसी और पार्टी में शिफ्ट होते हैं तो पार्टी को कितना फायदा मिल सकता है? जी देखिए, जसवंत गुर्जर पहले भी विधायक रहे लेकिन बहुत अरसे बाद में चुनाव जीत करके आए हैं, तीन विधानसभाओं के चुनाव निकल गए, उनको जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन अब जाकर के फिर से जनता ने उन पर भरोसा जताया और इस बार वो चुनाव जीत करके आए बाड़ी से। गुर्जर बिरादरी से आते हैं जिसका अच्छा खासा वोट है धौलपुर करौली लोकसभा सीट के एरिया में, बाड़ी से चुनाव जीत करके आए हैं। ठीक है बाबूलाल, फिलहाल आप अपडेट देते रहिएगा, आप खबर पर नजर बनाते रहिएगा। अभी फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट में पेशी, भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेशी, आचार्य बालकृष्ण भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेशी बाबा रामदेव की, और बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट में पेशी, दरअसल भ्रामक विज्ञापन का ये पूरा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पेशी आज बाबा रामदेव की, और आचार्य बालकृष्ण भी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल आपको जानकारी दे दें और थोड़ी देर में इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। और चलिए बढ़ते हैं आगे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कांग्रेस पर हमला, दिलावर ने दोहराया गहलोत और डोटासरा जाएंगे जेल, पेपर लीक के मामले में दोनों नेता जेल जाएंगे। कांग्रेस सरकार ने बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपी थी, अलवर में मेरे पुतले जला रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं चिंता मत करो जेल जाएंगे, पेपर लीक सारे दोषी, एसओजी और ईडी कर रही मामले की जांच। तो शिक्षा मंत्री का कांग्रेस पर यह बड़ा हमला है, रामगंज मंडी में एक सभा के दौरान दिलावर ने यह बयान दिया है और दिलावर का अब यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो अपने बयानों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन दिनों सुर्खियों में है, सरकार बनने के बाद से ही दिलावर ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर सियासी हवा तेज होती हुई नजर आ रही है। एक बार सुनिए जरा क्या बयान था वो। लोग जो पेपर आउट किसने करवाया था, लाखों बच्चों का भविष्य किसने खराब किया है, कांग्रेस ने बिल्ली को दूध की रखवाली बिठा दी, शिक्षा संकुल में के स्ट्रांग रूम में पेपर रखवाए, और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग जो कांग्रेस के पदाधिकारी होते हैं उनको रखवाली दे दी, चाबी दे दी। अब जो ही पेपर रखे स्ट्रांग रूम में जाते वो रात को उठकर चाबी से स्ट्रांग को खोल लेते, पेपर ले जाते, आउट कर देते, बेच देते, करोड़ रुपए कमाए। तो क्यों नहीं अलवर वालों, मैं राय मंडी में बोल रहा हूं ये क्योंकि वो मेरा वीडियो सुनेंगे अलवर वाले भी, अलवर वालों ये तो जाएंगे जेल, कौन अशोक जी गहलोत और गोविंद सिंह जी डोडासरा साहब जाएंगे, और आप मेरा पुतला जलाओ पूरा जलाओ, नहीं तो तुमको पाप लगेगा, ताकि पता चल जाएगा कौन कौन पेपर चोरी का पैसा किसने खाया था, किस किसने खाया था, पुतले जलाने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं, इनको भी बंदर बांट हुई है, और अलवर वालों तुम्हारे पास भी पैसा आया इसलिए तुम इतनी उछल कूद कर रहे हो, लेकिन ईडी और एसओजी जांच कर रही है, ये सुई तुम्हारी तरफ भी घूम सकती है, तुम भी जेल जा सकते हो, मैं अलवर वालों को कह रहा हूं। इसलिए मित्रों, हाँ अलवर वाले कांग्रेस जिन्होंने पुतले जलाए हैं, जितने पुतले जलाए हैं। और अब धौलपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, टावर पर चढ़ी है महिला, महिला को नीचे उतारने के प्रयास लगातार किए जा रहे, पुलिस महिला से समझाइश कर रही है, दरअसल पारिवारिक कलह के चलते टावर पर महिला चढ़ी है, रीको स्थित मसूदपुर गांव के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो टावर पर महिला चढ़ी है, पुलिस महिला से समझाइश कर रही है, धौलपुर से ये घटना सामने आई है, महिला पारिवारिक कलह के चलते टावर पर चढ़ गई, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर महिला चढ़ी, और साफ तौर पर यह खतरा जरूर है महिला के लिए, अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो जान तक जा सकती है। हरिवीर संवाददाता इस वक्त ऑनलाइन पे हमारे साथ है, हरिवीर हम देख रहे हैं तस्वीरों में टावर के ऊपरी छोर पर सबसे ऊपर पर महिला बैठी हुई है, क्या नाराजगी है और क्या अभी भी वो टावर पर ही है?
जी बिल्कुल, मैं बता दूं ये जो पूरा मामला है वो मशहूरपुर गांव का है, जो रीको स्थित क्षेत्र में ये पड़ता है। यहाँ पर जो एक महिला है वो जो मोबाइल टावर के बिल्कुल टॉप पर चढ़ी हुई है और अभी भी वो मौके पर है, ऊपर चढ़ी हुई है, पुलिस नीचे मौजूद है और लगातार समझाइश की जा रही है। ये महिला है वो सहजपुर जो देहली थाना इलाके में पड़ता है वहाँ की ये जो महिला बताई जा रही है। इसका कहना है कि इसका जो पारिवारिक कलेश है उसको लेकर के ये यहाँ आकर के जो मसूपुर गांव है यहाँ आकर के ये चढ़ गई है और लगातार पुलिस समझाइश कर रही है। नियालगंज थाना पुलिस है, सदर थाना पुलिस मौके पर है और लगातार समझाइश की जा रही है, लेकिन अभी महिला है मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि उसके जो परिजन है और जो पति वगैरह है उनको बुलाने की जो मांग कर रही है। युवती है जो बिल्कुल टॉप पर बैठी हुई है और पुलिस नीचे जो उससे समझाइश का दौर जारी है। जी क्या क्या वजह है, क्या कह रही है महिला और क्या पुलिस से वो मांग कर रही है? जी बिल्कुल, बताएं कि जो महिला है वो लगातार यही बोल रही है कि उसका जो पारिवारिक कलेश था उसको लेकर के ये उस गांव से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है यहाँ पर ये आकर के चढ़ गई है और लगातार पुलिस उसको समझाइश कर रही है। लेकिन वो अभी मानने को जानकारी देने के लिए दौसा लोकसभा सीट पूर्वी राजस्थान की हॉट सीट बन चुकी है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में इमोशनल कार्ड भी जमकर खेल रही हैं। वहीं कभी वो पपलाज माता की सौगंध दिलाकर तो कभी सफेद बालों की लाज रखने के नाम पर वोट मांगते हैं। हाल ही में उन्होंने ये तक कह दिया है कि महुआ क्षेत्र से अगर बीजेपी नहीं जीती तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। किरोड़ी के इमोशनल कार्ड पर सचिन पायलट ने चुटकी ली है और कहा है कि मंत्री पद छोड़ना बड़ी मुश्किल से मिलता है। और अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती महुआ से तो मैं मेरे मंत्री पद को त्याग दूंगा, तो मैं कसम है इस बात। हमारे जिले के बहुत नेता हैं जो भाजपा से जीत कर गए हैं, वो गांव गांव डोल रहे हैं, कोई चावल बांट रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कसम खा रहा है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस लोकसभा के परिणाम से किसी का कोई मंत्री पद जाने वाला नहीं है, और मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूं कोई मंत्री पद छोड़ना भी मत। बहुत मुश्किल से मंत्री बने हैं, बने रहना चाहिए। और आज चैत्र नवरात्र का आठवां दिन है। आज महागौरी की आराधना हो रही है, मंदिर में विशेष आयोजन हो रहे हैं। दुर्गाष्टमी पर आज घर घर कन्या पूजन होगा और माता रानी के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, माउंट आबू सिरोही की तस्वीर। माता का भव्य श्रृंगार किया गया है और भक्तों की भारी भीड़ है। सुबह हवन यज्ञ के साथ जो है अष्टमी पर्व आज मनाया जा रहा है। अजमेर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुबह से भरे सभी लोग मंदिर में पहुंचे हैं। करौली की तस्वीर आप देख सकते हैं, बहुत भीड़ है माता के दर्शन के लिए। और आमेर की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और चलिए अब खबर श्रीगंगानगर से आपको देते हैं, जहां चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन मां भगवती के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। और माता रानी के भक्त आज दुर्गा अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूरी करने की कामना कर रहे हैं। इसके साथ ही आज घर घर में कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराया जा रहा है। आज दुर्गा अष्टमी के दिन जहां घरों में कन्या पूजन हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर माता रानी के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गंगानगर सहित पूरे देश में आज चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। फिलहाल हम श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में मौजूद है और हम आपको यहां की तस्वीरें दिखाएं, तो आप ये देखिए अल सुबह से ही लाल चुनरी उड़ाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं।
साथ ही साथ मैं आपको दुर्गा मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए, जैसा कि हम रोज देखा करते हैं कि काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर महिला श्रद्धालुओं का जत्था रहता है और वे अल सुबह से ही माता रानी के भजन कीर्तन गाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है। महावर्ग है इसलिए सबकी इच्छा ही जो भी है पूरी होती है। हम देख रहे हैं मंदिर में भी आज तो काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु बहुत, सुबह से टांटा लगा हुआ है, शाम तक टांटा ही लगा रहेगा और 3100 जोतों की आरती महाआरती भी होगी आज। श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में माता रानी के भक्तों का मंदिर पहुँचने का सिलसिला तो जारी है ही है, चूंकि आज श्री दुर्गा मंदिर में देर शाम 2100 महाजोतों की आरती भी की जाएगी, जो श्री गंगानगर के माता रानी के भक्तों के लिए काफी मायने रखती है। अर्चना करेंगे, उन्हें चुनरी उड़ाएंगे, बल्कि घर पर भी कन्याओं को प्रसाद वितरित करेंगे। अशोक शर्मा, न्यूज 18, श्री गंगानगर। और अब अगली खबर कोचिंग नगरी कोटा से आपको देंगे, जहां हॉस्टल में आग लगने से 8 छात्रों के झुलसने के मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। दरअसल जांच के दौरान सामने आया कि 50 फीसदी से अधिक हॉस्टल पीजी और मेस के पास फायर एनओसी तक उपलब्ध नहीं है। हालांकि अग्निशमन विभाग ने 2000 से अधिक हॉस्टल और पीजी को नोटिस भी जारी किया है, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी निगम की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पुलिस ने हॉस्टल संचालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे जांच की जा रही है। और यहाँ पे कोई संसाधन नहीं है, फायर के आग बुझाने का कोई साधन नहीं है, वो सब बच्चों को और फायर ब्रिगेड 2 घंटे बाद आई। सुबह सर उठे हम 5:30 बजे घूमने के लिए, देखा इसमें धुआं आ रहा था तो हमने देखा ऊपर बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। यहाँ के लोकल जो हैं वो सीढ़ी लगा के पीछे से बालकनी से हम लोग को नीचे उतारे। यहाँ के जो लोकल हैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। फायर ब्रिगेड तो 2.5 लाख बाद पहुँची है। आप भी उस हॉस्टल में मौजूद थे? जी जी, 3rd फ्लोर पर थे हम लोग। बालकनी से हम लोग नीचे साइड सीढ़ी लगा के जो लोकल आदमी है यहाँ के वो उतारे हम लोग। क्या धुआं हो गई, अफरा तफरी का माहौल? पूरा धुआं अंदर रूम तक पूरा धुआं आके लपट आ रहा था। हम लोग बालकनी में चल गए थे। गेट हॉस्टल लीज धारक और वार्डन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है जिसकी जांच की जा रही है। और प्रथम सबसे पहले हमने सारे बच्चों को अस्थायी रूप से आसपास के 3 हॉस्टलों में शिफ्ट किया है। कल तो हमने हॉस्टल एसोसिएशन की मदद से सभी बच्चों को शिफ्ट किया है। बाकी बच्चों पे ये बाध्यता नहीं है कि वो उसी हॉस्टल में रहे, अभी उनसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। 2-3 दिन में वो उनको वही हॉस्टल पसंद आया तो उसमें रह लेंगे, वरना कोई जो भी उनको उनके हिसाब से सुविधा से जो हॉस्टल अच्छा लगता है वहाँ चले जाएंगे। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। महंत पर्चा करेंगी दाखिल। आज सहारनपुर में सीएम योगी का मेगा रोड शो, अलग अलग बाजारों से गुजरेगा मेगा रोड शो। बिजनौर और कैराना में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज मैनपुरी सीट से नामांकन दाखिल करेंगी डिंपल यादव। नामांकन के दौरान अखिलेश यादव भी रहेंगे साथ मौजूद। जौनपुर सीट से धनंजय सिंह की पत्नी को बीएसपी देगी टिकट, कई राउंड की बातचीत लगभग पूरी, सूत्रों के हवाले से खबर। आज प्रधानमंत्री मोदी के 4 चुनावी कार्यक्रम, बिहार के गया और पूर्णिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट और रायगंज में भी करेंगे बीजेपी के लिए प्रचार। बीजेपी के अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर लगाया हिंदुओं को दंगा। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से बीजेपी प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि अब की बार 400 पार का नारा जीत में तब्दील होगा, क्योंकि कांग्रेस के 60 साल पर मोदी के 10 साल पर भारी है। साथ ही कहा है कि पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया है। हर वर्ग हर क्षेत्र के कल्याण और उत्थान की बात, किसान महिला युवा गरीब के कल्याण की बात, स्वास्थ्य की बात, और यही एक संकल्प पत्र है जो भाजपा जनता के प्रति संकल्पित होकर उसको पूरा करने की गारंटी है। यही मोदी जी की गारंटी का विश्वास है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ धोती घोषणा है, जो आजादी से लेकर अब तक सिर्फ घोषणाएं 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 की है, उनको कभी अमल में लेकर नहीं आए। इसीलिए 2018 के विधानसभा चुनाव का ही मैं जिक्र करूं,
तो उन्होंने कहा कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो हुआ क्या? नहीं हुआ। और मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया, तो यही अटूट विश्वास देश की जनता का आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के प्रति है। झुंझुनू पुलिस ने लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही हरियाणा बॉर्डर पर सख्ती भी बढ़ा दी है। बॉर्डर पर हरियाणा से आने वाले वाहनों की विशेष तलाशी ली जा रही है। पुलिस हरियाणा से आने वाले हर गाड़ियों की गहनता से जांच के बाद जिले में प्रवेश दे रही है और उसमें आने वाले लोगों का डाटा भी तैयार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झुंझुनू पुलिस है वो हरियाणा बॉर्डर पर सजगता बढ़ते हुए है और इस समय मैं मौजूद हूँ हरियाणा सूरजगढ़ के जो पिलोत बॉर्डर है उस पर, और वहाँ पर लगातार जो हरियाणा की ओर से आ रहे वाहन है उनकी चेकिंग की जा रही है। और रात का समय है और रात के करीब 12:30 बजने को है और यहाँ पर झुंझुनू पुलिस अधीक्षक जो राजसी राजवर्मा है वो भी मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार